अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा यार, इसमें जो इंसान आज मैं डाइवो के ऑफिस आया हुआ था, और अब्दुल गफूर भाई को जिनको हमने इंक्यूबेटर और ब्रूडर भेजा था ना, तो उनकी कल रात मुझे कॉल आई थी। उन्होंने कहा था कि जौन सा है इंक्यूबेटर तो मैं रख लेता हूँ, और ब्रूडर जौन सा है उसकी जगह भी एक आप इंक्यूबेटर भिजवा दें, ब्रूडर की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो बस गलती से जौन सा है मैंने आपसे मंगवा लिया, बुक करवा लिया। तो उन्होंने डाइवो के ज़रिए जौन सा है वापसी आज भिजवाया है, और मैं उसकी रिसीव जोन से अभी लेके आया हूँ, और अपना पार्सल जोन से हम जाके रिसीव करते हैं अंदर से, और इसी की जगह ही दूसरा जोन सा है उनको इंक्यूबेटर यहाँ से ही जोन सा है बुक करवा दिया जाएगा, या जोन सा है क्या कहते हैं लोकल से करवा देंगे या यहाँ पे करवा देंगे, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा 10 से 12 किलोमीटर है मेरी लोकेशन से, इस वजह से जोन सा है यहाँ पर आना थोड़ा मुश्किल है। अब जोन सा है क्या कहते हैं रिसीव करते हैं जाके पार्सल और आपको दिखाते हैं। Chase, I will reach, I will fly until I'm breaking out my cage like a bird in the night. अच्छा दोस्तों, ये देखें बांध लिया ब्रूडर अब, और ये देखें ये ब्रूडर, ये अंकल आ गए थे सारे और काफी इंटरेस्टेड थे, इस पर भी इंफॉर्मेशन ले रहे थे मुझसे, और अभी ब्रूडर बांध लिया। अब ये जो उनसा है हमने दूसरी लोकेशन पर लेके जाना है जहाँ पर इसकी डिलीवरी देनी है, और वो शॉप के पास ही है, कॉफी स्टोर चौक के पास। उनके साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था यही कि उन्होंने अपने जो ये वो ब्रूडर उन्होंने मंगवाना था शेखपुरे, मगर वो जैस कैश का कोई इशू आ रहा था, पेमेंट का इशू आ रहा था, तो वो सेंड नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा लाहौर में मेरा जानने वाला है, उसके आप जो उनसे हवाले कर दें ब्रूडर। और उन्होंने जब मुझे कॉल की तो उन्होंने कॉल ये करके कहा कि मेरे दोस्त ने एक मशीन मंगवानी है 120 हंडों वाली, तो वो उनको जो उनसा है दे दें, ठीक है। तो मैं जाके उसको 120 हंडों वाली मशीन दे आया, और बाद में उनकी कॉल आई कि भैया ना आप तो मशीन दे गए। मैंने कहा यार आपने बताया, आपके दोस्त ने मुझे ये कहा था कि 120 हंडों वाली चाहिए, मुझे नहीं पता था कि आपका ही दोस्त था, ठीक है ना। तो अब उनको गलती से मशीन पहुंच गई है, अब उनको उनसे मशीन हम वापसी ले लेंगे और उसकी जगह ये ब्रूडर जो उनसा है दे आएंगे उनको, ठीक है। और ये ब्रूडर जाएगा शेखोपुरे में, ठीक है। अब इसकी जगह हमने उनको जो उनसा है बड़ी मशीन भेजनी है, और वो इस्लामाबाद जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद जो उनसा है पहले ये डिलीवर करेंगे, फिर उसके बाद जो उनसा है वहाँ से मशीन उठाएंगे, वो मशीन अब्दुल गफूर भाई को डिलीवर करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर और भी ब्रूडर के आर्डर हैं जिनके लिए हमने डिजिटल मीटर लाना है हार रोड से जाके, वो भी लेके आएंगे। और आज फुल काम है, बहुत ज़्यादा काम है, और ये सारे आज के दिन ही इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। तो हम दोस्तों वापसी जा रहे हैं ये ब्रूडर को देने के लिए, और अब हमने जाना है कॉफ्सर चौक, वहाँ पर ही जाकर भाई ने लोकेशन सेंड किया, उसी लोकेशन पर जो है हम जाकर ब्रूडर को डिलीवर कर देंगे, ठीक हो गया। I will chase, I will reach, I will fly until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing it into something big, better than before. And if it takes, takes a thousand lives, then it's worth fighting for. आधा टाइम तो यार ट्रैफिक के जाम होने में ज़्यादा हो जाता है, और मुझे तकरीबन इस वक्त 15 घंटा हो गया वहाँ से निकले हुए, और यहाँ पर आया था फिर ट्रैफिक जाम। अच्छा दोस्तों, अब हम गढ़ी चौक का ब्रिज जो है उतर रहे हैं, और आफ्टर लॉन्ग जर्नी, ठीक है, आई वॉज टायर्ड, मैं थक चुका हूँ, और कम अज़ कम ये 18 किलोमीटर टोटल बना है डिस्टेंस वहाँ से। तो पहले मैं अपने घर से वहाँ पर गया हूँ, फिर वहाँ से सीधा जो है मैं चौक पर आया हूँ,
और टोटल तकरीबन 18 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है। अब हमें मजीद आगे ये देखें, हम ये कॉपस्टर चौक आ चुका है और आगे हमें मजीद आगे 5 किलोमीटर जो होता है जहाँ पर ये ब्रूडर देना है वहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वहाँ पर डिलीवर करते हैं, फिर जो है वहाँ से मशीन उठाते हैं और वो ला कर रखते हैं चौक पर, फिर बाकी काम करेंगे। अच्छा, तो वो भाई ने मुझे लोकेशन सेंड की हुई थी, उसी लोकेशन पर जो है ना हम पहुंच जाएंगे। और वैसे भी मुझे जो है ना मशीन मैंने पहुंचाई हुई है तो मुझे रास्ता याद है, तो लोकेशन ना भी ऑन करें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम जो है पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी क्या कहते हैं, रास्ता ये काफ़ी है खतरनाक भी, छोटी छोटी गलियाँ हैं और खड्डे छुट्टे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ में मुझे आराम से चलानी पड़ती है बाइक, क्योंकि इसको देख के जो है ना पीछे मशीन भी लोड होती है और उसमें भी बल्ब वगैरह होते हैं। क्योंकि मैं जब मशीन डिलीवर करने आया था तब भी मैं बहुत स्लो स्पीड में 20 स्पीड पे जो है ना ड्राइव कर रहा था, क्योंकि इसके अंदर जो है छाना वगैरह होता है वो बल्ब के साथ लगता है और बल्ब जो है ना टूट जाते हैं। तो वैसे मैं कील लगा कर उसको पक्के तरीके से बांध कर ही लेके आता हूँ, फिर भी जो है ना कोई पता नहीं होता। तो अब वहाँ पर पहले पहुँचते हैं फिर आपसे बात। अच्छा दोस्तों, अब जो सा लोकेशन में मैं पहुँच चुका हूँ और ये रहा ब्रूडर, ये देखकर वो मशीन अंदर पड़ी है, वो वाली मशीन जो हम रिसीव कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये देखें चल रहा है, बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो ये अब जो सा है शेखुपुरी के लिए चला जाएगा और ये जो सी मशीन है ये वापसी दुकान पर चली जाएगी। तो आप जो है ब्रूडर की जगह इनक्यूबेटर बांध दिया और अब इसको वापसी दुकान पर लेके जाएंगे और जो है हमारा ब्रूडर है वो ये पड़ा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो इनक्यूबेटर ये देखने बांध दिया। और जब गुगुल भाई को करवाना है वो थोड़ी देर बाद करवाएंगे, क्योंकि पहले खार रोड का काम है वो ख़त्म करके फिर अब्दुल गफूर भाई को जो है इनक्यूबेटर कराएंगे, शायद आज कराऊँ या कल करा दूँ, एक दिन का टाइम मांग लेंगे, क्योंकि आज भी काफ़ी काम है और दो चार और भी ब्रूडर जो है डिलीवर करने हैं, तो इस वजह से उनसे कल वापसी चलते हैं वर्कशॉप और इसको जाकर रखते हैं और बाकी सामान फिर चलते हैं लेने के लिए। तो मैं ब्लॉग यहाँ पर एंड कर दूँगा, क्योंकि आगे सामान लेने जाना है तो उसका नेक्स्ट जो उनसे वीडियो बनाएंगे तो वो जो उनसे अपलोड होगी मेरे चैनल पर। तो बस आज के लिए यही वीडियो थी, और एक हमने ब्रूडर जो है वहाँ से उठाया, दूसरी जगह रखा मशीन यहाँ से उठाई, जाकर वहाँ पर वापसी मशीन की है। और बाकी यही था आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह का ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।